आपको एक टिप लेना चाहता हूँ। आजकल सर्दी है ना, तो सर्दियों में आपके पैरों की जो तली है ना वो बहुत ड्राई हो जाती है। तो मैंने एक नया तरीका अपनाया है। रात को तो लोग ऐसे वेजिटेबल वगैरह लगा के सोते हैं, लेकिन देखिए जिस समय आप नहा रहे हैं ना, तो आप नहाते रहना, ठीक है? आपने शैम्पू किया है, ठीक है, शैम्पू करके आपने इसको उतारा है, शैम्पू को है उतार दिया। शैम्पू धो दिया ना, अब आपको लेना है कंडीशनर, ठीक है? कंडीशनर जो है ना, ये देखिए हाथों के ऊपर लेके ना अपने लगाया है, ठीक है, अभी लगाते हैं आप। और फिर आपको उतने शैम्पू कंडीशनर को 1 मिनट रखना होता है बालों के अंदर। उसके बाद यही वाले हाथ जो है ना, ये जिस पे कंडीशनर लगा रहा है, ये वाले हाथ आपने नीचे लेके जाने पैरों पे। अब आपने अपने पैरों पे यही कंडीशनर वाले हाथ आपने ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है, इसको और इसको इसी तरह छोड़ देना है। थोड़ा सा और ले और दूसरे पैर पे भी, ठीक है, दूसरे पैर पे भी इसी तरह मल देना है इसको फिर, ठीक है, अच्छी तरह। ये ख़ास तौर पे ये जो हील्स हैं, हील्स जो आपकी ना, मेरी तो वैसे इतनी ड्राई नहीं होते पैर, लेकिन आम तौर पे सर्दियों में लोगों के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर आए, उसके बाद आप नहाएं, अपना जो है कंडीशनर निकालें, सर से सारे बाल, ठीक है, तीसरी ट्रिप ये है, इसकी एक भी ट्रिप कि आपने जब ये आप करें ना, जब कंडीशनर निकालनी है उसके बाद आपने मुंह धोना है और आपने जिस्म पर लगाना है साबुन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि साबुन जब लगाया ना जिस्म पे, और आप सारे जिस्म पे साबुन लगाते हैं, तो पैरों पर जब आते हैं तो पैरों पर भी आप साबुन ना लगाएं, पैरों को उसी तरह कंडीशनर के साथ रहने दें। फिर जब आप अपना पानी अपने ऊपर गिराएंगे ना, तो वो साबुन जब नीचे जाएगा तो वो पैरों को आप सिर्फ पैरों से ना यूं यूं करके वो करें, हाथों से ना करें, ये नहीं, सिर्फ आपने यूं यूं करना है, साबुन नहीं लगाना। तो इस तरह से कंडीशनर पैरों में रह भी जाएगा और जो है सारा दिन आपका जो है ठीक गुजरेगा, मतलब ड्राई नहीं होंगे पैर। ये मेरी टिप थी पैरों के ऊपर कंडीशनर लगाने की, पैरों की तलियों पे, कि पैर ड्राई ना सर्दियों में। थैंक यू। तो आपने सबसे पहले टोपी पहननी है क्योंकि सर्दियाँ आ गई। अच्छा जी, सबसे पहले ये भिंडी। अच्छा, ये कैप्सिकम जो है फिट है, उठेगा, बंद करो उसको कैमरे। कैप्सिकम बीचों से काटी, अच्छा इसके लिए 1 चम्मच देसी घी, मैं ऑयल्स नहीं खाता, मैं सिर्फ देसी घी खाता हूँ, मक्खन खाता हूँ। भिंडियाँ ज़रूरी नहीं कि बहुत छोटी कटे, ये ज़रा बड़ी बड़ी भी रहे तो अच्छी रहती है, और ज़रा उसकी न्यूट्रिशन अंदर रहता है ज़्यादा, वो फ्राई नहीं हो जाती। इसी तरह कैप्सिकम को आपने उल्टा नहीं रखना, आपने ऐसे सीधा रखना है कि इसकी जो ग्रीन ग्रीन चीज़ है ना, ये ऊपर रहे और यहाँ से ये फ्राई हो जाए और अंदर से वो स्टीम भी हो जाए। ये देखिए, बस टच करना, ऐसे घी को ज़रा साइड पे करके, क्योंकि हमने घी दोबारा यूज़ करना है,
दूसरी चीज़ें फ्राई करने के लिए। भिंडी और कैप्सिकम निकाल लिया। यू नेवर नो टमाटर वगैरह जो है वो उसके ऊपर कितना स्प्रे हुआ होता है, तो इसलिए मैं ये करता हूँ कि मैं टमाटर का छिलका जो है ना वो ऊपर से उतार लेता हूँ। वैसे आंटियाँ क्या करती हैं कि वो ज़्यादातर फ्रीज कर देती हैं टमाटर ना, और फ्रीज करके फिर जब इस्तेमाल करना हो तो उसको ला के बाहर, फ्रोजन टमाटर्स को बाहर ला के पानी में थोड़ी देर रखती हैं और उसके बाद यूँ करके छिलका उसका पूरा निकल जाता है। जब वो ज़रा सा वो थॉ होता है ना तो फिर वो डैट इज़ ईजियर, लेकिन समहाउ मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, मुझे फ्रेश टमाटर का टेस्ट पसंद है। लहसुन जो है, लहसुन को मैं बिल्कुल इस तरह करके तो ऐसे ही रहने देता हूँ कि वो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा फ्राई ना होते हैं, और ज़्यादा फ्राई होगी तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये वाली जो सब्ज़ियाँ हैं लहसुन अदरक वगैरह इनको मैं ज़रा मोटा मोटा रखता हूँ, उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करता। अभी आपने आपको मैं दिखाऊँगा, ये देखिए ये है ना अदरक, अदरक को अपने ही काटा है। उसके बाद आपने अदरक के ना सिर्फ चार पीस करने हैं, ज़्यादा नहीं करने, चार ये मोटा मोटा रहे, चलो छः कर लें, थोड़ा थोड़ा मोटा रहे। टमाटर को फ्राई इसलिए करना चाहिए कि स्पेशली फॉर मैन, वो कहते हैं कि आदमियों के लिए फ्राई टमाटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट हेल्थ के लिए फ्राई टमाटोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक पेपर और थोड़ी सी हल्दी, नमक, तिल, सेसमी सीड्स। मैं तो उसको थोड़ा सा कूट लेता हूँ कि वो उसकी ज़रा ऑयल वगैरह बाहर आ, तो मैं ये करता हूँ कि सफ़ेदी जो है ना ये देखिए उसको फेंक के ना ये देखिए ठीक है। ये समझेंगे सफ़ेदी का ऑमलेट बन गया। इसी के ऊपर दोनों सब्जियां रख देंगे और इसका सर बंद करके चूल्हा बंद कर देना। अब ये जो हमने थोड़ी सी स्टीम बनी है ना उससे हल्का सा जर्दी जो है हल्की सी कुक होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ज़रा सी वाटरी रहेगी। सो दैट्स व्हाट वी वांट। जाके फ्रिज से बोन ब्रॉथ निकाल, ये है बोन ब्रॉथ, ये मैं व्हील की बोन्स ला के तो उसका मैंने ब्रॉथ निकाला है और अभी ये मैं नाश्ते के साथ पीऊँगा सूप इसका। साथ में रोटियां भी जो है मैं एक्चुअली रोटियां बनवा के फ्रीज कर लेता हूँ। ये रोटी फ्रीज हुई हुई है, ये मैं नाश्ते के साथ खाता हूँ। थोड़ा सा इसका फैट भी जाना चाहिए साथ, फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। जेलेटिन लगी हुई है, इसको मैं काटता हूँ छोटे छोटे पीसेस करके, ये भी मैं इसके अंदर फेंकता हूँ, बोन ब्रॉथ में डालता हूँ मैं। ये हड्डियों की सूप में ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डालना ज़रूरी है। उसको दिखाओ ना आप, तो मैंने दाल कट करो, अब मैंने दाल जब दी तो रोटी जो फ्रीज हुई हुई थी उसको इसी फ्राइंग पैन में जिसमें अंडे बनाए थे उसमें डाल के ऊपर से इसका सर बंद करते। एक चम्मच जो देसी घी था उसके अंदर हमने भिंडियाँ फ्राई किए, कैप्सिकम फ्राई किया, अंडे, टमाटर ये फ्राई किया और एंड में हमने ये रोटी फ्राई की, और एक चम्मच
देसी घी सिर्फ। कट करो, क्या है इसको, क्या कहते हैं? नाश्ते में एक जरूर खाता हूँ शक्करकंदी, नाइस एंड गोल्डन कलर। ये क्या है, कट करो, ये क्या कहते हैं? खुबानी की गिरियां एंड ऑलिव्स। एक गोली कॉड लिवर ऑयल। ये नाश्ता आज कल है मेरा, लेकिन ये वक्त के साथ बदलता रहता है। जब मौसम कुछ और हो तो नाश्ता भी बदल जाता है, लेकिन आजकल मुझे इसका मजा आ रहा है इसलिए मैं ये खा रहा हूँ। कट।